नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अमिता, मेरे यूट्यूब चैनल अमितास किचन कुछ मीठा कुछ नमकीन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता है आजकल सीजन चेंज होने लगा है, थोड़ा थोड़ा सा ठंडा मौसम होने लगा है, तो इसीलिए मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा बहुत ही हेल्दी सूप की रेसिपी लेके आई हूँ, लेमन कोरिएंडर सूप की रेसिपी। तो बनाना भी आसान है, होता भी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनता है। तो चलिए हम लेमन कोरिएंडर सूप बनाना शुरू करते हैं। लेमन कोरिएंडर सूप बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे ऑयल। आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, पर आपके ऊपर डिपेंड करता है। अराउंड 1 टेबलस्पून अराउंड हम इसमें लेंगे, हमने ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना है। ये सूप बहुत ही हेल्दी सूप होता है। इसके बाद हमने गैस ऑन कर दी है। इसके बाद हम डालेंगे, देखिए, 1 इंच फाइनली चॉप जिंजर, इसको हमने हल्का सा सॉटे करना है। उसके बाद डालेंगे 3 से 4 गार्लिक क्लोव्स फाइनली चॉप्ड, इनको डाल देंगे, इन दोनों चीज़ों को, और इसको हल्का सा सॉटे कर लेंगे। हम अराउंड इनको 30 सेकेंड्स के लिए हाई फ्लेम पे हम इनको कर लेंगे। 30 सेकेंड्स के लिए जिंजर गार्लिक को कर लिया था। अब हम एक स्मॉल साइज का या मीडियम साइज का है तो छोटा प्याज है तो 1 डाल लेंगे, बड़ा प्याज है तो आधा डाल लेंगे इसमें। इसको छोटा छोटा काट के अब इसके जिंजर गार्लिक के साथ अब इसको हम अराउंड, इसको भी हमने बिल्कुल कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा सॉटे करना है। ये देखिए, बस हल्का सा हमें इसको भी 30 सेकेंड्स के लिए करना है केवल। हमने प्याज को भी 30 सेकेंड्स कर लिया था। अब हम इसमें डालेंगे अराउंड 2 टेबलस्पून ये कैबेज, बहुत महीन काट के डालेंगे। सबसे पहले वेजिटेबल्स में हम कैबेज डालेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक अराउंड 1 से 1.5 टेबल स्पून ये बीन्स, फ्रेंच बीन्स फाइनली चॉप्ड, 1 से 1.5 टेबल स्पून ये कैरेट फाइनली चॉप्ड, ये डाल के हम इसको अच्छे से एक बारी फिर से सॉटे कर लेंगे। ये लेमन कोरिएंडर सूप जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं या हेल्थ कॉन्शियस है उनके लिए बहुत ही हेल्दी रहता है, क्योंकि इसमें सॉसेज वगैरह कुछ भी नहीं पड़ती हैं। जनरली इतनी सॉसेस पड़ जाती है सूप्स में तो वो उतना हेल्दी नहीं रह जाता है। तो इसमें वेजीज हैं, कोरिएंडर, लेमन, सब कुछ बहुत ही हेल्दी है। इसको अब हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे 1 मिनट के लिए। हमें इनको पकाना नहीं है, कच्चापन रखना है इसका। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के ये कॉर्न डाल देंगे। बस इसको भी फटाफट एक बारी अच्छे से सॉटे कर लेंगे। देखिए, सब अच्छे से वेजिटेबल को कर लिया है मैंने सॉटे अच्छे से। अब इसके बाद 1/2 अराउंड टीस्पून इसमें हम ब्लैक पेपर डालेंगे और 1/2 स्पूनी सॉल्ट डालेंगे। बाकी सॉल्ट टू टेस्ट है, आप बाद में चाहें बढ़ाना चाहें तो आप उसको और कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम इसमें कोरिएंडर डालेंगे विद स्टेम्स, हमने केवल पत्तियां नहीं डालनी हैं इसको। हमने 1 से 1.5 टेबल स्पून हरा धनिया, उसकी पत्ती जो नीचे डंडियां होती हैं स्टेम, उसके महीन महीन काट के वो भी इसमें हम डाल देंगे 1 से 1.5 टेबल स्पून। और इसके बाद हमने इसमें डाल देना है अराउंड 3 कप पानी डाल देंगे इसमें, भर के 3 कप पानी डाल देंगे इसमें। अब हमें इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है, अराउंड 2 से 3 मिनट इसको लगेगा बॉईल होने में, अच्छे से उबाला आ जाए। उसके बाद चलिए अब हम इसको आगे देखते हैं, एक बार इसमें अच्छे से उबाला आ जाए। देखिए, सूप को उबलते हुए 2 से 3 मिनट हो गए, इसमें हल्का हल्का सा देखिए उबाला आने लगा है, ये आपको दिख रहा होगा। अच्छे से इसको पहले एक अच्छे से उबाला दिला लेना है, ये देखिए साइड से,
हल्की क्रंची हमने वेजिटेबल्स इसलिए छोड़ी थी कि थोड़ा देखिए इस समय भी वेजिटेबल्स पक जाती हैं थोड़ा सा पानी में भी। और दूसरी चीज़ अगर आप गार्लिक नहीं खाते हैं तो आप गार्लिक अवॉइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें गार्लिक ना डालिए। और अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा एक अलग सा फ्लेवर देना तो हाफ ग्रीन चिली महीन महीन काट के भी इसमें डाल सकते हैं। बस लगभग हमारा ये उबलने वाला है। ये देखिए हमारा सूप कितने अच्छे से उबल रहा है, आपको दिख रहा होगा। अब इसके बाद मैंने इसमें डालना है देखिए कॉर्न स्टार्च। मैंने एक टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च लिया था अराउंड 1/4 कप में पानी में, सॉरी। ये कॉर्न स्टार्च अच्छे से घोल लिया है, अब इसको डाल देंगे इसमें और इसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और इसके बाद हमें इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसको पकाना है, अच्छे से कॉर्न स्टार्च मिल जाए और पक भी जाए, कच्चापन सूप में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो आप इसको पका लीजिए पहले 3 से 4 मिनट, तो चलिए हम पका लेते हैं इसको। और स्लो फ्लेम पे, स्लो या मीडियम फ्लेम पे पकाइएगा, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी मत रखिएगा इसको। ये देखिए थिक होने लग जाता है सूप थोड़ी देर बाद ही, कॉर्नस्टार्च डलते ही अपनी एक अच्छी कंसिस्टेंसी ले लेता है सूप, ये देखिए। तो चलिए हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से मीडियम या स्लो फ्लेम पे इसको उबाल लेते हैं अच्छे से। देखिए इसको बॉईल होते हुए 2 मिनट हो गया है, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, मैंने कॉर्न स्टार्च देखिए बहुत ज़्यादा नहीं बताया था। अगर आप बहुत ज़्यादा थिक सूप पीना चाह पसंद करते हैं तो आप कॉर्न स्टार्च बढ़ा सकते हैं, पर मेरे ख्याल से सूप थोड़ा सा इतना थिक नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हेल्दी सूप रेसिपी है, तो इतना ही बहुत है। और इसके बाद हमने 2 मिनट इसको अच्छे से उबल गया है, मैं इसको बस थोड़ा सा और उबालूंगी, थोड़ा 30 सेकेंड्स अराउंड। ये देखिए ये हमारा उबल रहा है अच्छे से, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स इस समय आप इसमें सॉल्ट चेक कर लीजिएगा, सॉल्ट एंड पेपर, आप उसको फिर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने बिल्कुल उतना बताया था कि अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो इस समय आप इस समय ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद जो 30 सेकेंड्स उबालना है, जिससे कि सॉल्ट अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें, क्योंकि सॉल्ट टू टेस्ट होता है सूप में, कई लोग बहुत कम पसंद करते हैं पीना, तो इसीलिए मैं इस आपको बता रही हूँ कि आप इस समय सॉल्ट देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा और पेपर भी देख लीजिएगा अगर आपको डालनी है या आप ग्रीन चिली डालना चाह रहे हैं। ये सूप बहुत स्पाइसी नहीं होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई सॉसेस वगैरह नहीं पड़ी है, पेपर भी मैंने बहुत हिसाब से डाली है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा एक देना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, एक ग्रीन चिली थोड़ी सी महीन काट के आप डाल सकते हैं। ये देखिए अब हमारा ये सूप लगभग हो गया है, ये देखिए अब हमारा अराउंड इस बिल्कुल लगभग सूप हो गया है हमारा। इस टाइम पे हम इसको स्लो फ्लेम पे करेंगे, इसको स्लो फ्लेम पे एक वाला अराउंड 30 सेकेंड्स के लिए हम इसको और करेंगे। सूप के हिसाब से आप देख रहे होंगे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए अब आपने टेस्ट कर लिया होगा, सॉल्ट एंड पेपर भी आपको पता चल गया होगा कि जो डालना होगा आप डाल चुके होंगे। इसके बाद हमने इसमें क्या डालना है, ऊपर से अब हम डालेंगे भर के 1 से 2 टेबलस्पून हरा धनिया कटा हुआ महीन। अब हम इसको मिक्स कर देंगे, कि लेमन कोरिएंडर सूप है तो धनिया तो डलेगा ही डलेगा और अच्छे से डलेगा। अब हमने इसको बस इतना दिलाना है, बस एक अच्छे से उबाला आ जाए, धनिया का कच्चापन खत्म हो जाए, बस इतना ही उबाला देना है इसको, बस 30 सेकेंड्स के लिए उबल जाए हमें इसका, बाकी फिर इसके बाद ऐड करते हैं। ये देखिए अच्छे से उबल रहा है सूप, बस हम इसको केवल 30 सेकेंड्स के लिए कर रहे हैं इसको। अब इसके बाद पड़ा भी रहेगा थोड़ी देर। अब इसके बाद हमने डालना है 1 से 1.5 टेबलस्पून लेमन जूस अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अगर आपको लग रहा है पहले आप 1.5 टेबलस्पून ही डालिएगा
या एक नींबू का रस आप मान लीजिए, अच्छा ठीक नींबू हो रसे वाला एक नींबू। उसके बाद आपको अगर लगता है कि थोड़ा सा आपको चाहिए तो आप आधा टेबल स्पून और डाल लीजिएगा। अब इस टाइम पे हम इसको गैस को बंद कर देंगे। हम लास्ट में इसमें डालेंगे जो टोटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहे नहीं डालना चाहे, एक टीस्पून बटर। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डाइट कर रहे हैं, डाइट कॉन्शियस है तो आप ये टोटली अवॉइड कर सकते हैं, पर आप टेस्ट के लिए पी रहे हैं या आपको लेमन कोरिएंडर सूप पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये डाल के इसको कवर करके सर्व करने से पहले 5 से 10 मिनट इसको ढक के हम छोड़ देंगे एज इट इज़। इसको बिल्कुल गैस बंद है हमारी, बटर डाल दिया है हमने, अब हम इसको 10 मिनट बाद चेक करेंगे, क्योंकि 10 मिनट हम इसको छोड़ेंगे सब कुछ रह जाएगा, लेमन बटर सॉल्ट पेपर सारे फ्लेवर्स आपस में मिल जाएंगे इसमें। तो चलिए अब हम 10 मिनट बाद इसको सर्व करते हैं और चेक करते हैं। देखिए 10 मिनट हो गए, मैं इसको चेक कर लेते हैं इसको अब हम। ये देखिए हमारा सब कुछ अच्छे से हो गया। ये अब हम इसमें ना लास्ट में हम इसको आप एक स्पून लेके आप इसको टेस्ट देख लीजिएगा कि सॉल्ट पेपर अब परफेक्ट है कि नहीं है। देखिए मैंने तो चेक कर लिया है, मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा 1/4 टीस्पून में पेपर और डालूंगी, क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर भी बहुत पसंद है और मुझे लग रहा है, और अराउंड थोड़ा सा मैं इसमें सॉल्ट भी ऐड कर रही हूँ। मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से चेक करेंगे। इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। चलिए अब इसके बाद हम इसको सर्व कर देते हैं। हमारा सूप बिल्कुल रेडी हो गया पीने के लिए, बहुत ही हेल्दी टेस्टी सूप है। बस एक बटर बाद में आपकी चॉइस है, आप डालना चाहते हैं तो डालिए, अदरवाइज टोटली स्किप कर सकते हैं इसको। तो चलिए ये हम लेमन कोरिएंडर सूप अब सर्व कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स मेरा लेमन कोरिएंडर सूप बन के रेडी हो गया पीने के लिए बिल्कुल। इसको ट्राई करिए और आपका कैसा बना ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ। और देखिए इसमें इतनी सारी वेजिटेबल्स पड़ती हैं और ज़्यादा सॉसेस वगैरह नहीं पड़ती, तो ये बहुत ही हेल्दी सूप है। लेमन पड़ता है जो विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स है, आपको पता ही है। तो ओवरऑल ये सूप बहुत ही हेल्दी टेस्टी और बहुत ही आसानी से बनने वाला सूप है, इसको ट्राई करिए। जैसे कई लोग डाइटिंग कर रहे हैं रात में डिनर स्किप करते हैं, तो एक अच्छा कप भर के आप बाउल बनाइए और सूप का पी लीजिए, तो बहुत ही फिलिंग और टेस्टी और हेल्दी रेसिपी हो गई आपके डिनर के लिए। तो ज़रूर ट्राई करिए, और मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो फटाफट वो भी कर ही डालिए। चलिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।